नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, अगर हम हथेली को देखते हैं तो हथेली एक चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई देती है। ये इस बात को इंगित कर रही है कि व्यक्ति जो है मेहनती किस्म के व्यक्ति होंगे, कर्म पे विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं। वर्तमान समय अगर यहाँ पर देखा जाए तो बहुत सारी जो है रेखाएं, अनगिनत छोटी सूक्ष्म रेखाएं जिसे कह रहे हैं, वो रेखाएं जीवन की रेखा को भी काट रही हैं, आपकी करियर की रेखा को भी काटती हुई नज़र आ रही है। साथ में जो है आपकी माइंड रेखा, मस्तिष्क रेखा जिसे कहते हैं, हल्के रूप में काट रही है। देखिएगा, थोड़ा थोड़ा असर ये सब पे दे रही है। वैसे जीवन में सब कुछ है, क्योंकि हथेली की जो लालिमा है, जो दिव्यता है, वो इसी ओर संकेत कर रही है कि व्यक्ति जो है सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्की मात्रा में कन्फ्यूजन है, हल्की मात्रा में अड़चन है। और साथ में एक चीज़ और ये इंगित करती है, जब बारीक रेखाएं हमारी हथेली में होती हैं तो व्यक्ति को तीन चीज़ समझनी चाहिए। इस तरह से अगर बारीक हो तो, अगर थोड़ी ज़्यादा बनने बैठ जाए तो वो संघर्षों को जन्म देती है, अड़चनों को जन्म देती है, लेकिन बहुत सूक्ष्म मात्रा में, गौण मात्रा में रेखाएं हों तो जिस जगह पे आप रहते हैं या तो उस जगह पे कोई दोष है, मतलब वास्तु दोष है, और वास्तु दोष पहचानने के लिए आप परिवार के सभी जो सदस्य हैं उनकी हथेलियां देखें। अगर सबकी हथेलियों में छोटी छोटी बारीक रेखाएं हैं तो निश्चित तौर पे वास्तु दोष है, या तो आपके घर में पितृ दोष है, या तो कहीं ना कहीं किसी कारणवश आपको संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है और इस ओर जो है विशेष ध्यान देना भी चाहिए। देखिएगा, हथेली का जो बेस होता है उसको हम मणिबंध कहते हैं। इसीलिए अगर हथेली का अध्ययन करना है तो ये जो कलाई है इसका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इसमें भी सबसे ऊपर वाली जो ये रेखा है, जो ये लकीर होती है, वो ही सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध रेखा होती है। इसी रेखा जो आप ये देख रहे हैं, इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि बाकी की हाथ की रेखाएं कितनी प्रबल हैं और उनका क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। आपकी जो मणिबंध की रेखा है बहुत साफ सुथरी और गहरी है, सीधी रेखा बनी हुई है, और यही रेखा उत्तम मानी जाती है, बहुत सुंदर, बहुत यथार्थ इस रेखा को माना जाता है। अगर ये पहली रेखा मणिबंध की साफ सुथरी हो तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में अबल होता है, इनका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़ होता है, काफ़ी आकर्षण व्यक्तित्व वाले ये लोग होते हैं। मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो, इस तरह से हो, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपकी रेखा बड़ी सुंदर है और इसी ओर जो है इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जो आपका बृहस्पति का पर्वत है, जो तर्जनी उंगली है आपकी, इसके नीचे के इस भाग को हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं। ये पर्वत आप देख रहे होंगे शनि से युक्त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी शनि पर्वत की ओर जो है झुकाव इसका दिखाई दे रहा है, और इसका झुकाव जितना शनि पर्वत की ओर होता है उतनी देर विवाह होने की संभावना बन जाती है। हथेली में, हस्तरेखा में सबसे सरल बृहस्पति को देखना है कि ये किससे युक्त बना रहा है और किस चीज़ का आपका प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये बना रहा है युक्ति आपका शनि से, और ये जितना शनि की तरफ झुकेगा उतना जो है विवाह होने की जो संभावना है वो लेट हो जाएगी। और ये अलग अलग पैरामीटर होते हैं, जो फीमेल होते हैं उनके लिए अलग पैरामीटर होता है और जो मेल होता है उसके लिए अलग पैरामीटर होता है, और हथेली भी अलग अलग देखी जाती है। जो फीमेल है उनकी वाम हस्त, लेफ्ट हैंड देखा जाता है, और जो आपका जो है मेल है उसका राइट हैंड देखा जाता है। कुछ कारणवश या कुछ योग बनने पे दोनों हाथ देखे जाते हैं, या कुछ कारणवश कुछ योग बनने पे
महिला का भी दाहिना हाथ ही देखा जाता है। अब उसके लिए जो पैरामीटर होते हैं जो लड़का है उसके लिए होता है, अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ऐसी स्थिति में 30 से लेके 35वें वर्ष के बीच निश्चित तौर पे जो है शादी हो जाती है। और जब आपके योग बन रहे हैं, ये योग आपका 33वें वर्ष और 35वें वर्ष में बन रहा है, निश्चित तौर पे इन वर्षों में शादी हो जाएगी। अब दूसरी बात आती है कि जो शादीशुदा जिंदगी होगी वो कैसी रहेगी, उसको जानने के लिए भी बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। हथेली की अगर हम बात करें तो देखिएगा, जो हमारी मिडिल फिंगर है उसके नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं, और इस शनि के पर्वत से एक जो है काल्पनिक रेखा हमें खींचनी होती है ठीक बीचों बीच। और इसके बाद अगर आप देखोगे जो आपकी माइंड रेखा है बड़ी सुंदर और साफ सुथरी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये रेखा जिन भी हथेली में साफ हो सुथरी हो तो विवाह के बाद जीवन काफ़ी उत्तम जाने वाला है, ये निश्चित है। और इस काल्पनिक रेखा के बाद जीवन की रेखा भी जितनी साफ सुथरी होती है उतना ही अच्छा इन लोगों का दाम्पत्य जीवन होगा, ये मानना चाहिए। विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ ये लोग लीड करते हैं जिनकी ये जीवन की रेखा साफ सुथरी होती है इस काल्पनिक रेखा के बाद। अब होता है कि बच्चों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखिएगा उसके लिए हमें ग्रह और नक्षत्रों की ओर जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम ग्रह नक्षत्रों की ओर नहीं गई, केवल रेखाओं से अगर जाने तो रेखाओं से ही सब कुछ नहीं जाना जाता है। देखिएगा इसके लिए जो है हमारा शुक्र जो होता है दैत्य गुरु शुक्र, इसको देखना होता है। दैत्य गुरु शुक्र आपका पुष्ट और सुंदर अवस्था में है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन अवस्था में नहीं कहा जाएगा इसे, क्योंकि वर्तमान समय में ये थोड़ा सा चिंता दे रहा है, मानसिक परेशानी दे रहा है, और बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी हल्के रूप में अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन परिवार का सुख बेहतरीन मिलेगा, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। अब होता है कि बच्चों का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो हिंदुस्तान हिंदू में हमारे इंडिया में जो चीज़ें देखी जाती है यहाँ से देखी जाती, बच्चों का सुख या यहाँ से देखा जाता है या यहाँ से देखा जाता है। आपकी हथेली में निसंकोच ही संतान सुख है, शादी के बाद संतान सुख निश्चित रूप से है। लेकिन बेटी होगी बेटा होगा इसको कहना जो है ठीक नहीं होता है, ये जान के भी कोई नहीं कह सकता है, ये हमारे रूल के खिलाफ होता है, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं कहेंगे। हाँ, आपके जीवन में संतान सुख है और आपको जो है अपना परिवार का सुख भी अच्छा मिलेगा, लेकिन जीवन रेखा क्या कह रही है इस पे भी आना चाहिए। आपकी जीवन रेखा इस तरह से नीचे, और इसमें चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और नीचे जो है केतु का प्रभाव पड़ रहा है, ये थोड़ा जीवन में जो है अस्थिरता देती है, एक समान जीवन नहीं चलता है, बार बार जीवन में उतार चढ़ाव निश्चित रूप से होते हैं, ये निश्चित है। जीवन में उतार चढ़ाव तो होंगे लेकिन रेखा साफ सुथरी है, तरक्की भी बहुत अच्छी करेंगे आप, और मेहनती हैं तो तरक्की तो होगी ही, अच्छी दिशा में जाएंगे तो बहुत सुंदर जो है तरक्की आपकी होगी, इस ओर इशारा कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से आपको जो है जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ से आपकी जीवन रेखा आके यूँ जारी है और यहाँ से जो है एक व्यापार रेखा जो है इस तरह से जारी है, और यहाँ पे शानदार एक पत्ती का चिन्ह बन रहा है, और वो बन रहा है आपका कहाँ, केतु के क्षेत्र में। और ज्योतिष में केतु को निर्वाण का साधन माना जाता है, निर्वाण का ग्रह माना जाता है। केतु पे जब इस तरह का चिन्ह बनता है या मछली बनता है तो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर समाहित होती जाएगी, और कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं प्रबल रूप ले लेंगी, और अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति अच्छी खासी उन्नति करेगा,
और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में, कोई एक समय तो नहीं है, लेकिन अपने जीवन काल में एक खूबसूरत, एक बेहतरीन, एक सुखद यात्रा का मौका मिलता है जो आपको भी मिलेगा। और पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसका भी अच्छा खासा लाभ मिलेगा। और जीवन काल के अंतिम पड़ाव में आपको अपने कमाए हुए पैसों से, बाहर से नहीं, अपने कमाए हुए, अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से अच्छा खासा जो है लाभ मिलेगा। जो ओल्ड एज होगी वो काफ़ी बेहतरीन आपकी होगी, बहुत सुंदर और सुखदायी होगी, ये आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। और स्वास्थ्य के मामले में भी बहुत सुंदर आप रहेंगे। और ये रेखा जितनी प्रबल होती जाएगी उतनी आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती जाएगी। और जब ये रेखा सुंदर तरीके से, बिना कटी फटी या कोई रेखा इसको काटे नहीं, और सुंदर तरीके से जो है ये भाग्य रेखा से आगे बढ़े, इस तरह से जिस तरह से बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे जब ये इस युक्ति बना लेगी किससे, बुद्ध से, तो व्यापारिक कार्यों में अचानक बहुत बड़ी सफलता आपको हाथ लगेगी। और यदि ये यहाँ से निकली और थोड़ा सा जीवन रेखा और भाग्य रेखा को काट ली तो ये प्रगति तो देगी लेकिन पेट संबंधी समस्याएं भी जो है आपको दे सकती है, तो इसका जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वहीं आपकी मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर तरीके से जा रही है, इसमें दो ग्रहों का, तीन ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले प्रभाव पड़ रहा है आपका निम्न मंगल का, और जब भी मस्तिष्क की रेखा पे निम्न मंगल का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति की जो सोच होती है, जो मस्तिष्क होता है, वो तीव्र होता है। दूसरा, गुरु का जो ज्ञान है, बृहस्पति का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति को अपने क्षेत्र की अच्छी खासी नॉलेज रहती है, उसमें व्यक्ति पारंगत रहता है, निपुण रहता है। तीसरी बात, ये चंद्र क्षेत्र है और चंद्र क्षेत्र का जब प्रभाव पड़ता है मस्तिष्क पे, और चंद्र है कल्पना का ग्रह, तो व्यक्ति सुंदर कल्पनाएं करता है, कल्पना शक्ति व्यक्ति की बेहतरीन होती है और ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव होता है। दूसरी बात, इससे हम यात्राएं देखते हैं और इसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जब मस्तिष्क की रेखा इससे मिलन करती है, इससे परिणय करती है, तो व्यक्ति को अपने जीवन काल में खूबसूरत और सुखद यात्रा का मौका मिलता है। निश्चित तौर पे आपको भी अपने जीवन काल में इस तरह का मौका निश्चित रूप से मिलेगा। अब देखें, जीवन का जो शुरुआती क्षण थोड़ा सा जो है संघर्ष युक्त रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो है ये संघर्ष आपका खत्म होता जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, आपकी जो हृदय की रेखा है, हृदय की लकीर कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति से युक्ति बना रही है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, देवता समान व्यक्ति होता है, किसी का बुरा नहीं चाहता है, दया और करुणा का भाव रखता है, आप में ये गुण है। दूसरी अगर बात करें तो दृढ़ निश्चय होता है और आदर्शवादी जीवन ऐसा व्यक्तियों का होता है, ये निश्चित है। जब धन और संपत्ति की बात करें तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है, जब करियर की बात करें तो भाग्य की लकीर मुख्य लकीर होती है। और देखिएगा, आपकी जो भाग्य की लकीर है, ये भाग्य की लकीर आपकी इस तरह से जो है यहाँ जा रही है, कहाँ से निकल रही है, हथेली में भाग्य की लकीर जीवन की लकीर से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, और हथेली पिंक है और मुलायम यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है आपका नसीब बहुत ही अच्छा है, आपका लक एक बेहतरीन लक है, आपकी उंगलियों के जो आधार हैं लगभग एक समान दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित ही आपके पास अच्छा खासा धन आने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस तरह से लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की निशानी है। व्यक्ति कितना भी अड़चन, कितना भी संघर्ष झेले, लेकिन व्यक्ति उससे उभर जाता है, और वाहन का और मकान का सुख ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में मिलता है,
और कई बार ये देखने को मिलता है कि जब ये रेखा भी बलवती हो जाती है तो व्यक्ति को व्यापार का अच्छा खासा लाभ की प्राप्ति होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है, ये जो आपकी भाग्य की लकीर है इसमें एक ट्रायंगल भी बन रहा है, और जब भी भाग्य रेखा पे ट्रायंगल बनता है तो इस बात को कंफर्म कर लेता है, इस बात को श्योर कर लेता है कि आपको अपने जीवन काल में एक बड़े घर की प्राप्ति होगी, वाहन की प्राप्ति होगी। और जब धन और संपदा को देखते हैं तो ग्रहों को भी देखना पड़ता है। उससे पहले एक चिन्ह और देखें आपकी हथेली में, देखिएगा जो आपका यहाँ से जा रहा है और मस्तिष्क रेखा यहाँ से जा रही, यहाँ से एक रेखा जाके यहाँ पे एक ट्रायंगल या चतुर्भुज भी, वर्ग जिसे कहते हैं, लगभग वर्ग की आकृति यहाँ पे बनती हुई दिख रही है और इस पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है। देखिएगा अगर ये ट्रायंगल है तो पैतृक संपत्ति दिलाएगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा का ट्रायंगल पैतृक संपत्ति दिलाती है। और जब इस पे जो है कहीं ना कहीं चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे जातक ये कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, और ऐसे जातक दयालु होते हैं, गंभीर होते हैं और किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोने वाले ऐसे लोग होते हैं। ये बहुत अच्छा है। और देखिएगा जो शुक्र है आपका और जो आपका गुरु है बृहस्पति, इन दोनों को धन का ग्रह माना गया है। शुक्र हथेली में सुंदर और इस तरह से विकसित और सुंदर हो तो ये लग्जरी देता है, और गुरु इस तरह से पुष्ट हो तो निश्चित ही ये धन देते हैं। और अगर सूर्य भी इस तरह से सुंदर अवस्था में हो तो निश्चित ही जीवन काल में कार्यों को विस्तार मिलता है, फैलाव मिलता है, ये निश्चित है। आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरक्की करेंगे और करते आ रहे हैं, और ये हमेशा बना रहेगा, भले ही उतार चढ़ाव जरूर रहेगा लेकिन कभी जो है धन की हानि नहीं होगी। यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे हैं, देखिएगा आपकी जो कनिष्ठा उंगली है ये अच्छी खासी यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है, और सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इस अवस्था में इसे अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था मानी जाती है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे या तो व्यापारी होता है या अपनी पढ़ाई लिखाई के कारण अपनी मेहनत के बल पर कोई अधिकारी बनता है। कुल मिला के बात करें तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहेगा, इस बात को इंडिकेट कर रही है, इस बात को ये बता रही है। वहीं अगर यहाँ पे देखते हैं, आपकी अनामिका भी अच्छी खासी लंबी है और ये जो है आपकी तर्जनी उंगली से लंबी है, ये सूर्य पे बनने वाली उंगली है, इसको रिंग फिंगर कहते हैं। ये अगर इस तरह से बड़ी होती है तो इसको अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है हिम्मती स्वभाव का होता है, आप हिम्मती स्वभाव के होंगे, धन पाने की इच्छा और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा आप में सदैव जो है वास करती हुई यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा रहेगी, यश पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, आपकी उंगली इंगित कर रही है। साथ में सूर्य का पर्वत भी बहुत सुंदर अवस्था में है, विस्तार देने वाला ग्रह है, आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको देता हुआ नज़र आ रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपका बृहस्पति भी बहुत सुंदर है और सूर्य भी इस तरह से सुंदर है और उंगली भी लंबी है और भाग्य रेखा भी इस तरह से आके गुरु की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये इंगित कर रही है, देखिएगा अपनी जीवन में अपनी मेहनत को बहुत ढंग से चालू रखिएगा, आपको सरकारी पद की भी प्राप्ति हो सकती है यदि आपने भरसक मेहनत इस तरफ की तो, और एक उच्चतम अधिकारी आप बन सकते हैं। और बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो किस क्षेत्र में, उसको हम बताते हैं। देखिएगा या तो शिक्षा के क्षेत्र में या न्यायिक क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में बहुत बड़ी जो है पद आपको हासिल हो सकती है और सरकारी पद आपको हासिल हो सकता है।
इस मौके को मत गंवाइए, क्योंकि आपकी हथेली एक बेहतरीन हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हथेली में अगर उंगलियों को देखें हम, तो आपकी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई लकीरें दिख रही हैं हर उंगली में। ये आपकी व्यवहारिकता को बताती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बताती है, आपका मैत्री स्वभाव को यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। और देखिएगा, आपका बुध भी बेहतरीन अवस्था में यहाँ पे दिख रहा है, उभार लिए हुई है, इंगित करता है आप हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले हैं। योजना बनाकर चलेंगे और तीव्र मस्तिष्क के स्वामी हैं, जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। और आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो भी जातक होते हैं निश्चित तौर पे व्यापारिक कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ठीक समय की तलाश रहते हैं और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्ष होते हैं। और जब बुध का पर्वत इस तरह से लचीला हो, इस तरह से रंगत लिए हुए हो, तो व्यक्ति दर्शन है, विज्ञान है, गणित है, ऐसे कार्यों में विशेष रुचि रखने वाला होता है। आपका अगर हम बात करें, आपका चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर और बहुत जो है दिव्यता लिए हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप भी बहुत खूबसूरत होंगे और खूबसूरती नहीं, बहुत खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है अच्छा रहने वाला है और सकारात्मक सोच के आप मालिक होंगे निश्चित तौर पे। और सरकारी क्षेत्र में अगर जो है आप मेहनत करेंगे तो आपका चंद्रमा भी साथ देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहरहाल यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र और निम्न मंगल थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति, डिसीजन लेने की क्षमता में थोड़ा सा प्रभाव, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी थोड़ी सी अभाव की स्थिति, और कहीं ना कहीं हल्के रूप में मानसिक परेशानी, कन्फ्यूजन आपको देता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इन सब के लिए मैं एक उपाय दूंगा, उसको अवश्य करें और 3 महीने तक उपाय निश्चित करें। थोड़ा सा अगर मंगल और इस तरह से ये पोजिशन आती है तो थोड़ा अदृश्य डर का अभाव व्यक्ति के अंदर रहता है। व्यक्ति जब सोता भी है ना, तो उसको लगता है कि यार कोई आ तो नहीं रहा है, इस तरह से जो न दिखे उस तरह से। तो आपको हमेशा जो है शाम के समय बजरंग बाण का पाठ करके उसके बाद जो है अपना शयन करना चाहिए, और थोड़ा सा वास्तु दोष निवारण के लिए जो है पूजा जरूर करनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।